पतली कमरिया तोरी आए 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 आए। रात के 1:30 बज गए हैं और इस पंकज का कहीं आता पता नहीं है। जरूर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा और पार्टी कर रहा होगा। अब भी फोन करके उसकी खबर लेती हूँ। अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो कैटरीना बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो मैं अपनी उस खड़ूस बीवी को भी तलाक दे दूंगा। आई लव यू कैटरीना बेबी, आई लव यू सो मच। अच्छा, मैं खड़ूस बीवी, कैटरीना से शादी करनी है तुम्हें पंकज? अरे कैटरीना बेबी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? एकदम खड़ूस मेरी बीवी जैसी कैसे हो गई? मैं स्वीटी ही बोल रही हूँ। पंकज आज तुम आओ घर, तुम्हारा मार मार के कचूमर निकाल दूंगी। अरे स्वीटी बेबी तुम, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी बात सुनो। अब अगर तुम अगले 10 मिनट में घर नहीं आए ना, तो अपने लिए नया घर ढूंढ लेना, क्योंकि इस घर में तुम्हारी एंट्री बंद है। अरे अरे फोन काट दिया। कौन सी मनुष्य घड़ी में मैंने अपनी बीवी से शादी करी थी? अरे पूरे दिन चैचे चैचे करती रहती है। इससे अच्छे तो मैं किसी पेड़ से शादी कर लेता, कम से कम मेरी बात सुनता, मुझे समझता, शांत रहता। पेड़ मुझसे शादी कर लो, आई लव यू। अरे फिर फोन आ गया, किसी को प्यार भी नहीं करने देते। अरे मुझे बात नहीं करनी। अच्छा पेड़ चलता हूँ, तेरी सोतन मुझे बुला रही है। पतली कमरिया तोरी हाय हाय हाय। मिल गया मुझे मेरा अगला पति, मिल गया। मुझसे शादी करोगी कह के इसने मुझे प्रपोज किया है, अब तो मैं इससे शादी करके रहूंगी। अबे ओ, नाच मेरी बुलबुल के बुलबुल, कहाँ था इतनी रात को? बेबी मैं अपने बॉस की बीवी के साथ था। क्या, बॉस की बीवी के साथ? लेकिन क्यों? बेबी मेरा बॉस मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, तो उसकी बीवी रो रही थी, तो मैं बस उसको चुप करा रहा था। अच्छा, और चुप कराने में ये शराब कौन पीता है? बेबी किसी का पति मर गया, मैं गम में शराब भी नहीं पी सकता है। कैसी बातें करती हो तुम? तुमसे तो बहस करना बेकार है। मैं चला सोने, मेरी बीवी थाने द। अरे बाप रे, ये तो खुद से कंबल भी नहीं ओढ़ पाएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। अब इस टाइम कौन आ गया, जाके देखते हैं। ये मेरे होने वाले पति को कंबल उड़ाएगी, चुड़ैल सोतन। मैं भी देखती हूँ मेरे पति के पास कैसे जाती है। कौन है, कोई है? स्वीटी बेबी मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा देर गुस्सा रह ही नहीं सकती। आओ बेबी सोते हैं, आ जाओ, आओ बेबी जल्दी, आप सोएंगे। पंकज कौन है ये? कौन है का क्या मतलब है बेबी? तुम ही तो। बचाओ, कौन है तुम? ऐसे क्या हंस रही हो, बोलो ना कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी होने वाली पत्नी। क्या पंकज, तुम मेरे होते हुए इस घर में मेरी सौतन ले आए? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
अरे आई अरे अरे मेरी मेरी बात तो सुनो, ये झूठ बोल रही है, मैं इसको जानता तक नहीं। झूठ ये नहीं तुम बोल रहे हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ए चुड़ैल, मेरे पंकज को छोड़, अगर तूने उसको हाथ भी लगाया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या तू मुझे मारेगी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक तू। पंकज ये वहां कैसे पहुंची? पता नहीं बेबी, मुझे लग रहा है या तो ये कोई भूत नहीं है या जादूगर नहीं है। ए कौन है तू? मैं हूँ पेड़ वाली भूतनी जिसको तूने आज रात शादी के लिए प्रपोज किया था। अब तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुझे और तेरी पत्नी को जान से मार दूंगी। क्या पंकज अब क्या करें? बेबी मुझे बचपन में एक ज्योतिष ने बोला था कि मेरी दो शादियां होंगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि दोनों शादियां चुड़ैलों से होंगी। क्या बोले? मेरा मतलब है बीवी, मुझे लगता है मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। मुझे पता था तुम मुझे धोखा दोगे। चलो पंकज बेबी, शादी की तैयारी करते हैं। शादी? हाँ शादी। स्वीटी बेबी मुझे बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? तुम रुको। ए भूतनी, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पति को तुम ऐसे नहीं कर सकती। ए सौतन, बकवास बंद कर और जल्दी जल्दी मेरे होने वाले दूल्हे की हल्दी की रस्म पूरी कर। जल्दी से उसके सारे शरीर पर हल्दी लगा दे, वरना यही हल्दी तेरे ऊपर लगाकर कुकर में 2 सीटी लगाकर तुझे रोटी के साथ खा जाऊंगी। चल जल्दी लगा। हाँ हाँ लगा रही हूँ लगा रही हूँ। चल अच्छे से लगा, मैं अभी आती हूँ। बेबी कुछ तो करो प्लीज, मुझे बचा लो। कुछ समझ नहीं आ रहा पंकज, क्या करें? क्या भाई पंकज, कहाँ है? अगर घर पे कोई है या गुड्डू अहमदाबाद के घर पे आने की खबर सुन के सब भाग लिए? पंकज पंकज मिल गया बकरा। अबे पंकज क्या भाभी आज तेरा सही में अचार बना रही है? ये हल्दी लगा के क्या बैठ गया भाई? वो शादी के लिए। क्या बात कर रहा है, भाभी मान गई दूसरी शादी? भाई तेरे मजे भाई, एक ही घर में दो दो बीवियां, मेरे को तो पहली पता था तू एक नंबर का ठरकी छिछोरा और लौंडिया बाज है। नहीं है, मजाक कर रहा था भाभी, बिल्कुल मजाक कर रहा था, नहीं है ये। अरे देवर जी, मैंने आपको थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि आप अपनी शादी को पंकज की शादी बता रहे हो। क्या मेरी शादी? हाँ भाई, तुझे शादी करने के लिए एक विदेशी लड़की की तलाश थी ना, हमने वो विदेशी लड़की ढूंढ दी है और तेरी शादी उसी के साथ कराएंगे अब। हाँ, और ये सब तैयारी उसी चीज की चल रही है। क्या बात कर रहा है, लेकिन एक मिनट, मेरी शादी के लिए तेरे को क्यों हल्दी लग रही है? दूल्हा तो मैं हुआ ना। अरे देवर जी, ये उस विदेशी दुल्हन के रीति रिवाज है, उनके यहाँ पे हल्दी दूल्हे को नहीं दूल्हे के दोस्त को लगाई जाती है ताकि पति की उम्र लंबी रहे। हाय कितना ध्यान रखती है मेरी होने वाली बीवी मेरा। ला मैं भी तेरा हल्दी लगा देता हूँ। हाँ तब तक मैं दुल्हन को तैयार कर देती हूँ। आजा भाई आजा। अरे बस बस बहुत लग गई यार, और इतनी लंबी उम्र करके कहाँ जाएगा। बस बस बस। अगर तू यहाँ है तो मेरे पंकज को कौन हल्दी लगा रहा है? रुको, तुम पंकज को नहीं देख सकती। पर क्यों? दुल्हन अपने दूल्हे को शादी से पहले देखती है तो अपशगुन हो जाता है। क्या अपशगुन? तुम्हें अगर पंकज से शादी नहीं करनी है तो देख लो जाके, बोलो नहीं करनी शादी। करनी है मुझे पंकज से शादी करनी है। ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। अब वैसे भी हम दोनों बहनों को इस घर में मिलकर ही रहना है। हाँ
मुझे जल्दी से दुल्हन बना दो, मेरा पंकज मुझे देख के खुश हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी रेडी हो जा, ये ले माला पहन। और बता क्या चाहिए तुझे? भाई मैंने 4 दिन से नहाया नहीं, मेरे सेंट लगा देगा ना तो मजा आ जाएगा। अरे इतनी सी बात, रुक हट पावटा। हाँ ये रहा सेंट। और बता भाई, आज तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। सारी इच्छाएं पूरी करेगा? क्यों? अरे क्योंकि मरने वाले की सारी इच्छाएं पूरी कर जाती है, इसलिए। मरने वाले की? मेरा मतलब है अब तू शादी की दुनिया में उतर रहा है, अपनी नई विदेशी दुल्हन को देखते ही उसके प्यार में मर जाएगा ना। हाय, लेकिन एक मिनट भाई, मैंने तो उसे अब तक नहीं देखा, शादी कैसे कर लूं? अबे ओ, गर्लफ्रेंड के नाम पर तेरे पास 2 कैटरीना और 2 दीपिका की फोटो है, वो भी तूने न्यूज़पेपर से काट के अपने पर्स में रखी हुई है, और आज तुझे शादी करने के लिए लड़की मिल रही है, वो भी विदेशी, तो नखरे दिखा रहा है। अबे शुक्र मना, तुझ जैसे लुच्चे को लड़की मिल रही है शादी करने के लिए, वो भी विदेशी लड़की। लेकिन भाई एक बार देख लेता तो प्यार हो जाता। अबे भाई मुझे क्या लग रहा है कि तुझे शादी करनी नहीं है, तू रुक, मैं अभी जाके मना कराता हूँ शादी के लिए। अरे नहीं भाई, कैसी बात कर रहा है, शादी तो बिल्कुल करनी है, तू रेडी कर मेरे को फटाफट। करता हूँ, ये ले सेहरा पहन सबसे पहले। तू क्या पहन रहा है? मैं तेरी शादी का पंडित तो मुझे ही बनना पड़ेगा ना, तो पंडित वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। चल तू चल, मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ। चल 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 चल। अब लग रहा ना बिल्कुल दूल्हा। एक काम कर, अपना ना मुंह ढक ले, दुल्हन है ना विदेशी है, उसके यहाँ पे लड़के का मुंह देखना शादी से पहले अलाउड नहीं होता। मुंह ढक ले, ढक ढक ढक। अब ठीक है, दुल्हन को बुलाइए। आ रही है, आ रही है। आ गई मेरे होने वाली बीबी। क्या चुप करना, सब के किराए पे पानी फेरेगा, सीधा बैठ रहे। ये कौन है? ये पंडित जी हैं, तुम्हारी शादी कराने आए हैं। तो फेस पे मास्क क्यों लगाया हुआ है? वो इनकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। और ये पंकज की हाइट इतनी छोटी क्यों लग रही है? अरे ये बैठकर ऐसे ही लगते हैं, आपने इनको हमेशा खड़े हुए देखा होगा। तुम विवाह शुरू करो ना। लो लो लो, माला पहनाओ, माला पहनाओ, ये यही पहना दे। हाँ माला पहनाओ। सिंदूर सिंदूर, मांग भरो मांग भरो। आपका विवाह सक्सेसफुल हुआ, आज से आप पति पत्नी। ये मेरे पति उठ क्यों नहीं रहे हैं? खड़े हो ना, बैठे हुए क्यों हो? अरे ये खड़े ही हुए हैं। सुनिए, अब मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी ही पत्नी है। अरे मेरी रशियन बीबी। पंकज यहाँ है तो ये कौन है? अरे मैं गुड्डू। हाँ क्यों भूतनी, अब आया ना मजा। भूतनी? अबे पंकज साले, तूने मेरी शादी भूतनी से करवा दी। अरे ये भूतनी मुझसे जबरदस्ती शादी कर रही थी, मैंने इसकी शादी तेरे से करा दी। आप भूतनी बोलना, मुझसे जबरदस्ती शादी कर रही थी, करना कर। धोखा, धोखा किया मेरे साथ। हाँ किया धोखा, क्या कर लेगी? संभर जाओगे, संभरोगे, तुम सबको मार डालूंगी। पंकज भाई मुझे बचा ले भाई। Hey guys, I hope आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, और ऐसा ही इसका अगला पार्ट अगर देखना है कहानी सुराग का, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। हाँ जिसने सब्सक्राइब नहीं करा भाई करो, जल्दी करो, 12 मिलियन करा लो यार, क्यों परेशान करो, कराओ कराओ कराओ। मिलते जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।